हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब बैनर, यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, तो आपके काफ़ी सवाल आ रहे थे कि हम यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं, आपने लोगों तो बनाना बता दिया। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऐसे मल्टीपल बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैनर कैसे बना सकते हो। तो मैं इस वीडियो में जो भी यूज करूँगा सारे टेम्पलेट्स वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता होगी जिसका नाम पिक्सल है। पिक्सल ऐप के अंदर आने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको इस टेक्स्ट को कट करना है। कट करने के लिए आपको डिलीट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक कर देना है, वापस आपको कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, वापस ओके पर क्लिक कर देना। ये होने के बाद यूट्यूब थंबनेल की साइज आ जाएगी। इसके बाद आपको वापस बीच वाला आइकन पर क्लिक करना है, इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला जो मेरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये होने के बाद आपको नीचे से स्क्रॉल करना और इस पर क्लिक करके इसको अराउंड 100 वाक कर लेना पूरा। ये होने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना और इसको लॉक्ड कर देना ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। ये होने के बाद आपको वापस इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और गैलरी से ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देना और राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद इसको क्या करना है, जितनी भी लाइनें हैं उन दोनों लाइनों के बीच में रखना है क्योंकि हमारे YouTube का बैनर इतना ही दिखेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है, इतना होने के बाद इसको अराउंड इस प्रकार लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर देना है। ये जितना ही ब्लैक पार्ट है ये हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में दिखेगा और बाकी का डेस्कटॉप में दिखेगा। तो हम ये ऐसा बैनर बनाएंगे जो हमारे दोनों में यूज हो सकता है। इतना होने के बाद वापस इस पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। कॉपी होने के बाद वापस क्रॉप पर क्लिक करना है और ये इतना ही इसको क्रॉप कर लेना है। इतना क्रॉप कर लेने के बाद इसको अराउंड कुछ इस प्रकार यहाँ से ले आना। ले आने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, या जितना ही ब्लैक पार्ट है उसके ऊपर इसको ले आना है। और ये ले आने के बाद वापस आपको ब्लेंडिंग में जाना और इन दोनों लॉक कर देना ताकि ये भी इधर उधर हिले नहीं। ये होने के बाद आपको आ जाना है वापस शेप्स पे। शेप्स पे आने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। आपको आ जाना है यहाँ पे वापस रोटेट पे। रोटेट पे आने के बाद अराउंड इसको क्या करना, 45 के आसपास कर लेना है। ये होने पर राइट पे क्लिक करना है और इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से बड़ा कर लेना है। इसको बड़ा करके कुछ इस प्रकार यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे भी हमारी लाइन है उस प्रकार इसको सेट कर लेना है ऐसा। ये होने के बाद आपको क्लिक करना है ब्लेंडिंग पे और इसको भी लो कर देना है ताकि ये भी इधर उधर हिले नहीं। ये होने के बाद आपको वापस इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट में आने के बाद आपको अपनी गैलरी में से आपका YouTube का लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने YouTube का चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर राइट पर क्लिक कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पे छोटा कर लेना है और इसको छोटा करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार लगा लेना है। ये लगा लेने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और स्टॉक पर क्लिक करके इसकी एक वाइट बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होने के बाद आपको वापस स्क्रॉल करना और इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊंचा नीचे यहाँ पर लगा लेना है। इसको कुछ इस प्रकार लगाने के बाद आपको क्या करना है, वापस ब्लेंडिंग में क्लिक करना है और इसको भी लॉक कर देना है। लॉक होने के बाद आके अगर ना आपको वापस क्लिक करना है यहाँ पे एड वाले पे और प्लस पे क्लिक करके एड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फॉलो मी हियर ऐसा नाम लिख देना कुछ इस प्रकार से। तो हम अपना कुछ इस प्रकार से नाम लिख देते हैं, आप ऐसा नाम लिख के ओके पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद इसको भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार छोटा सा कर लेने, थोड़ी साइज को करना चाहते हो तो हम पहले इसके फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं और ये होने के बाद आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना है। ये होने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर देते हैं इसको। ये होने के बाद इसको भी हम यहाँ से लो कर देते हैं। ये होने के बाद वापस आपको इम्पोर्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपनी गैलरी के अंदर से ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना है, इरेजर कलर पे आ जाना है और एक पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर देना है। ये ब्लैक करते हैं तो आपका क्या है, इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। ये होने के बाद इसको थोड़ी सी साइज को छोटा कर लेना है और इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे नीचे ले आना है और इसको यहाँ पे इस प्रकार लगा लेना है। इस प्रकार लगाने के बाद क्या करना है, आप इसे इस एरो से भी लगा सकते हो और अपने हाथों से भी। तो हम यहाँ से इसको जूम करके यहाँ अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा लेते हैं। ये होने के बाद इसको भी यहाँ से लॉक कर दीजिएगा। लॉक होने के बाद आपको क्या करना,
यहाँ पे आपको अपना चैनल का नाम लेना है, तो ए पे क्लिक करना है, प्लस ए ए पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इस नेम को यहाँ से कट कर देना है और आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना है, जो भी आपका यूट्यूब चैनल नाम हो। ये लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार लगा लेना है। ये इतना लगा लेने के बाद आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और आ जाना है फॉन्ट्स पे। फॉन्ट्स में आने के बाद आपको माय फॉन्ट पे आना है और जो है डेविल नेट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला फॉन्ट्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा और राइट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसको कुछ इस प्रकार लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है और कलर पे आने के बाद इसके आप किसी कलर का पर्सन का नेम चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। तो हम यहाँ से रेड कर लेते हैं इसका नेम को, और इसको करने के बाद इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं स्टॉक पे, और यहाँ पे आने के बाद इसको एनेबल करके अराउंड यहाँ से 5 कर लेते हैं और होने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद इसको भी आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा लीजिएगा, थोड़ी बहुत साइज को यहाँ पर छोटी मोटी कर लीजिएगा। ये होने के बाद क्या करना है, आपको इसको भी लॉक्ड कर देना है। ये होने के बाद हमें एक और इमेज को ऐड करना है, तो आपको इंपोर्ट पे वापस क्लिक करना है और ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये होने के बाद क्या करना है, आपको वापस स्क्रॉल करना है, वो कलर इरेजर पे आ जाना है और इसको इनेबल करके वापस से इसको ब्लैक कलर कर लेना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, वापस इधर की ओर स्क्रॉल करना है और इस प्रकार राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद इसके कलर को चेंज करना है, तो वापस आपको कलर पर आ जाना है और इनेबल करके इसके कलर को ब्लू कर लेना है और राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद इसको भी यहाँ से लॉक्ड कर देना है ताकि ये भी इधर उधर हिले नहीं। ये होने के बाद क्या करना है, आपको वापस इंपोर्ट पर क्लिक करना है और अब की बार क्या करना है, यूट्यूब वाला ये लोगो ले लेना है। ये लेने के बाद इसको भी यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद वापस आपको आ जाना है कलर इरेजर पर, इसको इनेबल करना है और इसके बाद भी ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये होने के बाद राइट पर क्लिक कर देना और इसको कुछ इस प्रकार छोटा करके यहाँ पे बैनर में हमें लगा लेना है। तो इस प्रकार हमें इस साइड में यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद ऐसे हमें शेडोज भी चाहिए, तो आपको इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको शेडोज पे आ जाना है और इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल होने के बाद इसको ऑफसेट एक्स को 5 कर लेना और ऑफसेट वाई को भी 5 करके राइट पर क्लिक कर देना। ये होने के बाद आपको यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल होने के बाद वापस आपको पोजीशन पे आ जाना है और इसकी पोजीशन को थोड़े से इधर करके आपको राइट पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद क्या करना है, इसको भी यहाँ पर ब्लेंड में क्लिक करना है और इसको भी लॉक कर देना है ताकि ये भी हिले नहीं। ये होने के बाद हमें एक और टेक्स्ट लेना है, तो इस पर क्लिक करना है और इसको टेक्स्ट को लेने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है सब्सक्राइब नाउ। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं कुछ इस प्रकार सब्सक्राइब नाउ, तो आपको इस प्रकार लेके ओके पे क्लिक कर देना है। यह भी यहाँ पे आपको ले लेना है और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे नीचे कलर लिखा लेना है। तो हम यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद वापस आ जाते हैं फॉन्ट्स पे और फॉन्ट्स पे आने के बाद ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टॉक पे आ जाना है और इसको ब्लैक कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ये जाने के बाद वापस आपको पोजीशन पे आके इसको कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है। ये होने वाला राइट पर क्लिक कर देते हैं और इसके थोड़े से साइज को भी छोटा कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार आप वो करोगे तो ये पूरा फाइनल है, हमारा पूरा वीडियो रेडी हो चुका है। तो आप सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। तो आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट में और लिख देना।